हाल ही में रतलाम में दिग्गी राजा अलग अलग बटी कांग्रेसियों पर बरसते हुए दिखाई दिए, जहां कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई नसीहत ने अब सियासी गलियारों में हलचल भी बढ़ा दी है। वहीं अब दिग्गी राजा की इस नसीहत पर चुटकी लेते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। देखिए खास रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं पर निकले दिग्गी राजा के गुस्से ने बढ़ाई सियासी हलचल। दिग्गी राजा की दी नसीहत ने सियासी गलियारों में मचाई हलचल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर ली चुटकी। सियासत में अक्सर अपने विभाग अंदाज के लिए अलग पहचान रखने वाले दिग्विजय सिंह हाल ही में रतलाम दौरे के दौरान अलग अलग बटे कार्यकर्ताओं पर गुस्सा होते हुए नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कुछ ऐसा कहा जिसके अब सियासत में कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। भाई देखो क्यावरा बशर्ते के सब लोग एक हो जाओ, वहाँ पर अगर एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। मेरा सर थपाना भी बेकार हो, कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक हो जाओ तो शर्तियाँ जीत जीते सीट जीते। लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, किसी अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग, वीडियो कौन वीडियो। वहीं अब कांग्रेसियों को दिग्गी राजा ने जो नसीहत दी है उसे लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर चुटकी ली है, जहां उन्होंने दोनों ही नेताओं पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा जरा आप खुद ही सुनिए। दरअसल वो अपनी खुद की बात बता रहे थे, कमलनाथ जी की बता रहे थे, कांग्रेस की आड़ ले ली होगी क्योंकि इसके बाद जो चुनाव आएगा 23 के बाद वो तो जब तक वो 80 की उम्र पार कर गए होंगे, कमलनाथ जी 80 को पार कर गए होंगे तो उनका तो ये आखिरी चुनाव है। कांग्रेस के कार्यकर्ता में कितना भी ये कर लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता अब मान चुका है कि अब कांग्रेस कभी आने वाली मध्य प्रदेश में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं बची, जैसे बिहार में कोई संभावना नहीं बची, जैसे पश्चिम बंगाल में। इतिहास ऐसा कहता है कि 15 साल जहां भी कांग्रेस सरकार से बाहर रही है वहां फिर वापस नहीं आई है, तमिलनाडु से लेकर अब मध्य प्रदेश तक चले आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्गी राजा ने कांग्रेसियों को जो नसीहत मिशन 2023 को लेकर दी है उसके अब सियासी गलियारों में अलग अलग मतलब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां इस बीच गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्गी राजा और कमलनाथ पर चुटकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।